इसराइल के आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम के चर्चा में आने के बाद और खासकर इस समय जब लद्दाख सीमा पर चीन तरह तरह की चालबाजियां कर रहा है, तब भारत को भी ऐसे ही डिफेंस सिस्टम की जरूरत महसूस हो रही है। ऐसे मजबूत डिफेंस सिस्टम को जो चीन से आने वाली ताकतवर मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर सके, तो अब ऐसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। दरअसल खबर आ रही है कि भारत जल्द अपना स्वदेशी आयरन डोम दुश्मन सीमा पर उतार सकता है, ताकि दुश्मनों के हमलों को मिनटों में मिट्टी में मिलाया जा सके, वो भी बिना किसी हताहत के। अब आप कहेंगे किसके हवाले से ये खबर सामने आ रही, तो भारतीय वायुसेना से जुड़े सूत्रों ने अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया है कि इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी से जुड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कुशा के तहत DRDO की तरफ से विकसित किए जा रही स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम हाल ही में शामिल किए गए रूसी S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम के जैसा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने साल 2028-29 तक अपनी लंबी दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय रूप से तैनात करने की योजना बनाई है, और ये सिस्टम 350 किलोमीटर तक की दूरी पर आने वाले स्टील लड़ाकू विमानों, ड्रोन, क्रूज मिसाइलों और सटीक निर्देशित हथियारों का पता लगा सकता है। इसके साथ ही उन्हें नष्ट भी कर सकता है। तो वहीं DRDO की माने तो न सिर्फ रणनीति बल्कि जो क्षेत्र सामरिक रूप से कमजोर है वहां पर ज्यादा से ज्यादा वायु रक्षा कवर प्रदान करने के लिए LRSAM कम रडार क्रॉस सेक्शन वाले हाई स्पीड वाले टारगेट के लिए प्रभावी होगा। DRDO ने आगे ये भी बताया है कि इसे 250 किलोमीटर की दूरी पर लड़ाकू साइज के टारगेट को मार गिराने के लिए तैयार किया जाएगा। और तो और इसमें AWACS यानी एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम और मिड एयर रिफ्यूलर जैसे बड़े विमानों को 350 किलोमीटर की दूरी पर रोक दिया जाएगा। अब यहाँ आपको ये भी जान लेना चाहिए कि इसे कैसे यूज किया जाएगा और कहाँ पर। दरअसल अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक LRSAM की फायरिंग यूनिट भारतीय वायु सेना के एकीकृत वायु कमान और कंट्रोल सिस्टम के साथ सीधी बातचीत करने में सक्षम होंगे। और दूसरी बात यह कि ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक एयर डिफेंस नेटवर्क है। वैसे मई 2022 में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की तरफ से मिशन मोड परियोजना के रूप में इस प्रणाली के विकास को मंजूरी दी गई थी, और फिर इसके बाद रक्षा मंत्रालय ने पिछले महीने भारतीय वायु सेना के लिए 21,700 करोड़ रुपए की लागत से अपने 5 स्क्वाडनों की खरीद के लिए आवश्यकता की स्वीकृति दी थी। इसमें लंबी दूरी की निगरानी और अग्नि नियंत्रण रडार के साथ मोबाइल LRSAM में 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 350 किलोमीटर की दूरी पर शत्रु लक्ष्यों को मारने के लिए डिजाइन की गई विभिन्न प्रकार की इंटरसेप्टर मिसाइलें होंगी। खैर, देखना यह होगा कि भारत अपना स्वदेशी आयरन डोम कितनी जल्दी उतारेगा, और चीन पाकिस्तान को यकीनन ये समझ आ रहा होगा कि एशिया में रहना है तो शांति से रहना होगा। कोई 3-5 किया तो भारत वो हाल करेगा जैसा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।